दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश का यूट्यूब चैनल। हर खबर पर हमारी नजर। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस हुई महंगा। आपको बता दें कि डीजल व पेट्रोल के दामों में 80-80 पैसे तथा रसोई गैस में 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग। आज डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई, आपकी इस पे क्या राय है? चुनाव के दौरान डीजल एवं पेट्रोल की वृद्धि में रोक लगने के बाद आम जनों को ये मतलब आश्वासन हो गया कि डीजल और पेट्रोल के दाम में जब गिरावट आएगी, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद और पुनः मतलब वृद्धि किए जाने से आम जनमानस में इस वृद्धि को लेकर काफी आक्रोश। आप मौजूद हैं साधु चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज सरकार ने डीजल में 80 पैसे, पेट्रोल में 80 पैसे व रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, इससे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये महंगाई बढ़ाने से जनता त्रस्त होगी। जहां कोरोना की महामारी से जूझ रही थी जनता, तमाम व्यवसाय बाधित हुए थे, इसके कारण मतलब जनता तो त्रस्त पहले से थी और जनता को फिर त्रस्त करने का उद्देश्य है सरकार का। जनता की भलाई के लिए कोई काम सरकार नहीं उठाने वाली है, इसके अलावा मतलब और अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकती है जनता की भलाई के लिए। और ये महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाली महंगाई है। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष दीनानाथ चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज सरकार ने डीजल पे 80 पैसे, पेट्रोल पे 80 पैसे व रसोई गैस पे 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, इससे आपकी प्रतिक्रिया क्या है बताइए। आज सरकार द्वारा किसानों के ऊपर महंगाई का बोझ शुरू कर दिया है, डीजल का दाम भी बढ़ाए, पेट्रोल भी बढ़ाए, रसोई गैस भी बढ़ाए, सब पर दाम बढ़ा। अब किसानों को इसका जो है अतिरिक्त बोझ किसानों के ऊपर पड़ रहा है, नौजवानों को भी इस के ऊपर पड़ेगा असर, व्यापारियों को भी ऊपर पड़ेगा बोझ। आपके आने वाला अब इधर कटाई दवाई का सीजन आ रहा है, डीजल दिन प्रतिदिन महंगा होगा, वो भी किसानों के ऊपर बोझ पड़ता जाएगा। तो सरकार तो अभी शपथ लेने में 2 दिन बाकी है और आज ही से शुरू कर दिया महंगाई। सरकार के लोग कह रहे थे कि महंगाई कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन किसान जो है ये अपना ताकत का एहसास सरकार को कराया नहीं, तो इसका खामियाजा किसानों को भोगना पड़ेगा। व्यापारी, नौजवान, मजदूरों को भी महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। ये किसानों के लिए बहुत दुखद संदेश है कि जो आज डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाए हैं, इससे सारा व्यवस्था किसानों को चरमराएगा। अब आने वाले समय में फिर किसान महंगाई का मार झेलने के लिए तैयार रहे। साथ मौजूद है रामभेज मौर्या जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने आज गैस पे 50 रुपए, डीजल व पेट्रोल पे 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 4 महीने बाद डीजल पर 80 पैसे, पेट्रोल पर 80 पैसे और गैस पर 50 रुपए दाम बढ़ा है, तो हमको लगता है कि गरीब तबकों के लिए तो बहुत बड़ी भुखमरी पैदा हो जाएगी। क्योंकि किसान गेहूं की कटाई का फसल आ गया है और डीजल बढ़ चुका है, इसका महामारी नौजवान किसान लाचार लोगों पर पड़ेगा और आने वाला दिन अच्छा नहीं।